नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी वीना। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। गुजरात के एकता नगर में आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेंगे संबोधित। बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच मजबूत तालमेल है उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के दो दिन के दौरे पर पूर्णिया में जनभावना रैली को करेंगे संबोधित। किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल। नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वहीं दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। यूक्रेन के चार क्षेत्रों के लिए रूस का आज से जनमत संग्रह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के नए सैन्य अभियान को बताया उसकी सेना के पतन का संकेत। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का किया आह्वान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट के तत्काल समाधान पर दिया जोर। नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। तेज गेंदबाज बुमराह के इस मुकाबले में खेलने की उम्मीद। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर हमेशा जोर दिया है। पीएम मोदी टीम इंडिया की भावना के साथ देश के विकास के सफर को आगे बढ़ाने पर बल देते रहे हैं। शुक्रवार को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। राज्य के नीति निर्माताओं के साथ मंथन, उन्हें राष्ट्रीय दृष्टिकोण उपलब्ध कराने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के पीएम के निरंतर प्रयासों की ही एक कड़ी है। ऐसे ही कुछ हालिया कदमों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य साइंस कॉन्क्लेव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्घाटन किया था। 25 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। 16 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में मुख्य सचिवों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने देश के सर्वोच्च अफसरों के साथ विभिन्न नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन पर चर्चा की। 30 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कोरोना काल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार चर्चा और स्थिति की समीक्षा भी पीएम मोदी के टीम इंडिया के नजरिए की वानगी है। इसके साथ साथ किसानों की आय, महिला विकास, संस्कृति, खेल और ई गवर्नेंस जैसे विषयों पर आयोजित
राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी प्रधानमंत्री लगातार शामिल होते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अमित शाह की ये पहली बिहार यात्रा होगी। गृह मंत्री आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनभावना रैली को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की जान गई है। राज्य के अनेक जिलों में आज 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। दिल्ली NCR में 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जगह जगह सड़कें जलमग्न हैं, वहीं गाड़ियों की लंबी कतार ने जाम की स्थिति पैदा कर दी। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल DD नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉरपोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि कीर्ति की माँ को उसकी चिंता सता रही है। इधर उत्कर्ष को गांव वालों ने गांव से निकलने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। गांव वालों को उत्कर्ष का गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब ये मेरे लिए एक चैलेंज है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो इन लोगों को यही लगेगा कि मैं डर कर गई। मामा, बात उन लोगों से लगने की नहीं है, बात है हमारे यहाँ से डर कर भागने की। और मामा, आप ही समझाती हैं कि जो इंसान एक बार डर कर भागता है वो दूसरी बार अपने लिए डर के भागने के रास्ते खुद ब खुद बना लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि 3 दिन बाद सब कुछ बदल जाएगा? इस भ्रम में मत रहो, ना यहाँ के लोग बदलेंगे ना इनकी सोच। वो 3 दिन बाद देखेंगे। तो अब क्या करेगा उत्कर्ष और क्या करेगी कीर्ति, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉरपोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आप देखेंगे कि सर्पों को गांव से बाहर निकालने की सारी योजनाएं विफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर बालकृष्ण ने खतरनाक राक्षस विश्वासन को चुनौती दी है। तुम एक को मारोगे तो ये 2 में बदल जाएंगे और 2 को मारोगे तो 4 में। तो मुझे बताओ नंद, तुम इस गोकुल नगरी को कैसे बचाओगे? क्या है तुम्हारे पास कोई उपाय जो तुम अपने गोकुल वासियों को मेरे इन मित्रों से बचा सको? बताओ किस तरह बचाओगे? तो कैसे करेंगे बालकृष्ण इस खतरनाक राक्षस का सामना, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के लिए रूस में आज से जनमत संग्रह शुरू हो रहा है। डोनियास्क, लुहांस्क, खेरसोन और आंशिक रूप से रूस के कब्जे में मौजूद ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे।
रूस नियंत्रित यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों ने रूस का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि लुहांस्क और दुनियास्क संयुक्त रूप से डोनबास इलाके का बड़ा हिस्सा है, जहां पर वर्ष 2014 से ही अलगाववादियों का कब्जा है और पुतिन ने रूसी हमले के लिए इसे प्राथमिक आधार बनाया था। उधर यूक्रेन ने जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। भारत ने आतंकियों को ब्लैकलिस्टिंग से बचाने के प्रयासों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की स्थिति पर आयोजित चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक कारणों से आतंकियों को जवाबदेही से बचाने को गलत बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट का फौरी तौर पर हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण हल की भारत की मांग को भी दोहराया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर एक पुस्तक चर्चा में भाग लिया। अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए विदेश मंत्री ने इस आयोजन के लिए इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण की कोई सीमा नहीं है, ये विशेष रूप से न्यूयॉर्क में मजबूत है, जिसने 2014 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम की मेजबानी की थी। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की G4 बैठक की मेजबानी की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका, जापानी विदेश मंत्री योशिमाशा हयाशी और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बियरबॉक को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस के अपने समकक्ष निकोस डेंडियास से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, इंडो पैसिफिक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो सीजर एरियोला से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला गंवाने के बाद अब भारतीय टीम के सामने सीरीज में बने रहने की चुनौती है। आज शाम 7 बजे नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। नागपुर 3 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहा है। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए नागपुर का यह मैच जीतना हर हाल में जरूरी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।